मान तो वही एक है बस, कांग्रेस के अंदर वही एक आदमी सही है शिंदे का, बाकी और कौन? राहुल गांधी को आता नहीं है कुछ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता था। हाँ। अभी चुनाव आने वाला है ना? हाँ, चुनाव यहाँ मध्य प्रदेश में अगली चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? वो तो जनता पार्टी जीतेगी। जनता पार्टी जीतेगा? हाँ। क्यों? लेकिन वो तो 15 साल से है ना, रखा होगा बिंदर पे 70 साल रात का रोटो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो आज मोदी करके बता रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है। हाँ ठीक है भाई, देखो काम थोड़ी प्यारो लगे। अरे किसाना ने कुछ नहीं करी यार। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। किसाना ने कोई ऐसी लाभ नहीं दी। अच्छा अच्छा, और खाद है तो कितना महंगा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। डीजल कितना महंगा होगा। अरे डीजल कितना महंगा होगा और खाद कितना महंगा होगा। अरे मेरी बात मानो, खाद कितना महंगा होगा, पहले कितना सस्ता है। गेहूँ कितने सस्ते है, आज गेहूँ कितने हो गए? 2000 कम हुए। आज गरीब आदमी के दिल से पूछो, आज 2000 हार रहा है। हम तो जनता पार्टी, जनता पार्टी। और आप? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह जी को जाएंगे? उनका ही अपन कैंडिडेट है। ठीक है। एक बात ध्यान रखना। हाँ जी, हमारी बद की नहीं है मोदी साहब का मिलना। हाँ हाँ जी, जितने भी कर्मचारी हैं इन्हें अभी बूते नहीं भरो जी, सारे खाका खाइए ज्यादा करते हैं। हाँ जी, इससे अपना देश बर्बाद होता है। गाय को दूर है कि भैंस को दूर है? भैंस का, भैंस को दूर है। लोग इधर जा रहा है तो देखता है, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, दोनों यहाँ दोस्त है। दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है। पुराने के समय जब कांग्रेस था, क्या अच्छा काम किया था उस समय? कुछ किया होगा, उस समय ना बिजली था, ना सड़क था, ना पानी था, कुछ नहीं था, अंधेरा था पूरे मध्य प्रदेश में। अच्छा, अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है यहाँ का? अब जो आगे में काम करना चाहिए, सड़क तो बनाया, पानी तो मिल गया है, उद्योग क्षेत्र में उद्योग खुल जाए कोई। अच्छा, उद्योग नहीं है यहाँ पर, बीड़ी का था पहले, वो सब खत्म हो गया। तो कोई उद्योग अगर लग जाए, विवाह जो है विवाह है, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है विशेष। बीना में आगा सोध है, आगा सोध तो फैक्ट्री। अच्छा अच्छा अच्छा, कारखाना खुल जाए, कोई कारखाना खुल जाए, कोई उद्योग लग जाए छोटा मोटा। अगर मान लीजिए कांग्रेस आ जाते हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बनेंगे महाराज जी। हाँ पक्का? मैंने सुना तीन नाम है, तीनों झगड़ा कर रहा है। कौन तीन नाम? एक तो सिंधिया जी है, कमलनाथ जी। हाँ, एक कमलनाथ जी और एक जो पहले एक लोग आएगा, एक उन तीनों में से सिंधिया जी आना चाहिए। सिंधिया जी या कमलनाथ, दो में से एक आए। नहीं, लेकिन वो पुराने जो मुख्यमंत्री था वो नहीं आए किसी भी हालत में, क्योंकि किसानों को उन्होंने इतना हैरान कर लिया है, परेशान कर लिया है। तो क्या नाम था इसका? अच्छा 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 अच्छा। और आपने क्या बोला, कांग्रेस क्या बोलता है? क्या क्या? हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। हर हर हाथ शक्ति, शक्ति हर हाथ तरक्की। तरक्की मेरा मुंह से थोड़ा मुश्किल से निकलता है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ नमस्ते जी।
चुनाव तो होने वाला है, आपको क्या लग रहा है आप कौन जीतेगा कौन हार जाएगा? उधर तो कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीत जाएगा? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी जो अभी का नेता है थोड़ा सा कुछ अच्छा काम किया कि नहीं? सारा का कुछ काम अच्छे करे हैं जाने का है। हाँ वो अच्छा काम, लेकिन आप बोल रहा है कि आपका परेशानी है कि आपका किसानों परेशानी ज्यादा, किसान का ज्यादा परेशानी। मान लीजिए कांग्रेस जीत जाता है एमपी में, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। कमलनाथ जी बनेगा, योग्य है। आप एक किसान है, आप लोग को आपका खेत में सबसे बड़ा परेशानी? परेशानी सर पानी की, पानी की। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। देखिए हम लोग एक किसान लोग के पास आ गया और ये सब अपना समस्या बतलाया है, और ये लोग बोल रहा है खास करके उनको बिजली और पानी का मुश्किल है, और बेचने में भी उनको काफ़ी तकलीफ है ठीक दाम मिलना। अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए आइए।